Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Exactive Coaching Center's online review session. The students, aaj hum aapko welcome karte hain lecture number 12 mein aur aaj ke jo topic humne English essay writing ke liye select kiya hai, it is also very important and very fascinating topic with respect to the final examination. Bahut se students aise hain jinhone CSS mein topic attempt bhi kiya hai, बहुत सी कन्फ्यूजन्स है प्रोवर्बियल ऐसे से रिलेटेड, इडियोमेटिक फ्रेजल वर्बल इस तरह के जो ऐसेज आते हैं, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स आती हैं, मैक्सिम्स आते हैं. स्टूडेंट्स बास का परेशान हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करना ज़रूरी है कि नहीं. वट आई वुड सजेस्ट इज़ दैट कि अगर आपकी एक अच्छी ग्रिप है और आपकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है फिनोमेना से रिलेटेड, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो कोई स्पेसिफिक टर्म हो किसी इशू से रिलेटेड, चाहे कोई ऐसी सोशल रियलिटी हो जिसके ऊपर कोई ऐसा आइडिया में वर्ब है जिसके ऊपर आप की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है और आप उसकी डिफरेंट काइंड्स की रेफरेंसिंग कर सकते हैं, एक्सपोजिशन कर सकते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस कर सकते हैं, नैरेटिव को बिल्ड कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं अपनी बात को, तो ये वो टाइप ऑफ एसेज होते हैं जिसमें आपका जो मार्जिन है सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स वो बढ़ जाता है. इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था लाइफ थ्रोज लेमन मेक लेमनेट, बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है. दैट इज मॉडर्निटी इज अनएंडिंग प्रोसेस. इस तरह के जितने भी टॉपिक्स होते हैं इसमें एक चीज़ तो स्टूडेंट्स क्लियर है कि ये वो टॉपिक हैं जिनमें एग्जामिनर आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन दे रहा है. आप इन टॉपिक्स को जब जस्टिफाई करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करते हैं, उसको प्रूव करते हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है. और इस तरह के टॉपिक में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो वाज़ह तौर पर सामने आती है. फिर आप 25 to 3500 वर्ड्स में जब इसको इन डिटेल एक प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली पेन डाउन करते हैं तो आपकी जो वैरायटी ऑफ नॉलेज है, आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है, आपकी जो एबिलिटी ऑफ कंपैरिजन है, कंपैरेटिव एनालिसिस है, एनालॉजीज है, क्रिटिकल एवेल्यूएशन है, एक्सप्रेसिव राइटिंग है, क्रिटिकल राइटिंग है, वो एग्जामिनर के सामने आती है. और बहुत से आस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें से आप एग्जाम्पलीफिकेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो मैं जिस तरह से इसको देखता हूँ, इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप अगर प्रोवर्बियल ऐसे अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आप डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में से उसकी एग्जाम्पलीफिकेशन कर सकते हैं. हिस्ट्री में से कर सकते हैं, ह्यूमन ट्रेडिशंस में से कर सकते हैं, सिविलाइजेशन में से कर सकते हैं, किसी एक ऐसी शख्सियत की जो लाइफ हिस्ट्री है उसे एग्जांपल ले सकते हैं, स्टेट्स के मॉडल को जो केस स्टडीज़ है उनको आप पिक कर सकते हैं. तो आपका जो बहुत ज़्यादा जो अकोमोलेटेड नॉलेज है सीएसएस के, बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपने चूँकि गो थ्रू किया होता है, आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन होती है, तो उसको भी आप इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं. तो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ मॉडर्निटी इज़ अनएंडिंग प्रोसेस. सबसे पहले हम स्टेप नंबर वन पे जाते हैं एंड स्टेप नंबर वन इज लिमिट करना या सेगमेंट्स करना गिवन टॉपिक के. इसमें जो कीवर्ड्स हैं इसको सर्कल करना, जो हमने किया है मॉडर्निटी अनएंडिंग प्रोसेस. तो आप इसको किसी भी एस्पेक्ट से लिख सकते हैं, आपके पास ओपन एक स्पेस है, ओपन एंडेड ऐसे है, और इसको जब आप लिखते हैं तो ये आपका सोचने का जाविया, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी जो एक्सप्रेशन of your thoughts into ideas, into words, into sentences and into paragraphs, उसके लिए ये एक ओपन स्पेस आपको देता है. दूसरा स्टेप देखते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या है कि मॉडर्निटी इज एन अनएंडिंग प्रोसेस. में से हम मॉडर्निटी अनएंडिंग प्रोसेस ये तीन कीवर्ड्स को पिक किया. इन तीन कीवर्ड्स को माइंड में रखते हुए हम एक्सट्रैक्ट करेंगे आइडिया, थीम क्या है इस टॉपिक का. तो हमारे सामने जो थीम इस वक्त नज़र आ रहा है, इट इज़ वेरी मच क्लियर. यहाँ पर जो थीम को हमने एक्सट्रैक्ट किया ख़ुद से, इट इज़ लाइक कि हमने कोई तकरीबन 4-5 सेंटेंसेस में इसको एक्सट्रैक्ट किया. आप एक सेंटेंस में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दो में भी, तीन में भी.
एडवांसमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मॉडर्निटी एडवांसमेंट, कोई चीज़ मॉडर्नाइज हुई है, एडवांस हुई है, अगली स्टेज पर गई है, इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एक और तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स विदाउट एन एंड, तगयुरात एक हालत से दूसरी हालत में जाना, ये भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हम जिस दुनिया में रहते हैं, अगर इस कॉस्मोस की जो फिलॉसफी है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी देखें तो ये मूव कर रही है, ट्रांजिशन के फेज में है, ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है। हर गुजरते हुए लम्हे, हर गुजरते हुए सेकंड के साथ एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो रही है। बहुत सी चीज़ों की जो हालत तब्दील होने वो हज़ारों साल पर मुहित होती है, चंद सेंचुरीज पे होती है, डिकेड्स में होती है, ईयर्स पे होती है। बहुत सी ऐसी जो आर्सली आप उनकी हालत बदलते देख सकते। चेंज इज एन इनएविटेबल एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। चेंज है, जो तब्दीली है, ये आनी ही आनी है, चाहे रवैयों में तब्दीली आए, वे ऑफ राइटिंग में तब्दीली आए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में तब्दीली आए, इंट्रैक्शन के जरायों में तब्दीली आए, किसी न किसी एंगल पे, चाहे वो किसी बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आए वो तब्दीली, चाहे वो ड्रामेटिक सिचुएशन से बचने के लिए आए, चाहे वो इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए इन्वेंशन या डिस्कवरीज की सूरत में करें, चाहे वो तब्दीली डिफरेंट रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल फिलोसफीज में हो, चाहे वो तब्दीली डिफरेंट रीजन की रिकोलोकेशंस के बाद हो, चाहे वो तब्दीली जलजला अर्थक्वेक्स फ्लड्स सुनामीज के आने के बाद आए, चाहे वो तब्दीली जंग के बाद आए, चाहे वो तब्दीली अमन की सूरत में आए। तब्दीली चलती रहती है, किसी न किसी हालत, किसी न किसी सेंस, किसी न किसी स्ट्रक्चर, किसी न किसी शेप के अंदर। There is one thing permanent in this world, that is change. New things occur and will transform into other things and so on. जब आपकी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ आती है, नया school of thought आता है, नए means and ways of communication आते हैं, entertainment आते हैं, education आता है, learning का आता है, तो वो कुछ अरसे बाद दूसरी हालत में change होता है और वो अगली हालत में change होता है। ये हमने एक्सट्रैक्ट किया है। ट्रांसफॉर्मेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये चलता रहता है। तो जो पहले दो स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स की हैं किसी भी ऐसी राइटिंग या सेल्फ या क्रिएटिव राइटिंग के लिए, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जब आप करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं मेन थीम आपके एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन में आपसे आस्क किया है, और अब आपने डेविएट नहीं होना, उस मेन थीम को ही आपने माइंड में रखना, आपका फोकस पॉइंट वही होगा, उसी फोकस पॉइंट के ऊपर, उसी टारगेटेड एरिया के ऊपर अब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी, थिंकिंग पैरामीटर बनाने, उसके फीचर्स, बहुत कुछ, यानी जितने आगे के स्टेप हैं आपने उसी को देख के करने हैं, और फिर इस स्टेप बाय स्टेप जो आपकी वर्किंग है रफ वर्क में, इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि जब आप लिखते हैं फाइनल आउटलाइन में, नीट आउटलाइन में, और फिर जब पैराग्राफिंग करते हैं ऐसे कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कॉन्सेप्चुलाइजेशन लिखते हैं, फिर बॉडी में पैराग्राफिंग करते हैं, आखिर में कंक्लूजन लिखते हैं, तो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट बनती है, एक ऑर्गेनाइज्ड पैकेज सामने जाता है, और एग्जामिनर की जो दो तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसमें ऑर्गेनाइजेशन है, कोहेरेंस है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, फिर एग्जाम्पलीफिकेशन है, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है, एनालिसिस है, आपकी अपनी राय है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी एवेल्यूएशन है। तो फिर आप उन जब स्टेप्स को फॉलो करते हुए राइटिंग करते हैं, इन तमाम चीज़ों के कम्बिनेशन को प्रोड्यूस करते हैं, तो नो डाउट कि फिर आपको एक आम कैंडिडेट की तरह 100 आउट ऑफ 100 आपको 40 मार्क्स के लिए फाइट नहीं करनी, फिर आप मैक्सिमम जो एग्जामिनर से मैक्सिमम मार्क्स जो है ना एक्वायर करने की फ़ाइट करते हैं, और फिर आपका एक बिहेवियर डिवेलप हो जाता है कि आप ऐसी स्कीम में प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऐसे मॉडल के तहत आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि आप टॉप 10 पोजीशन के लिए ही पेपर में बैठते हैं, क्योंकि अगर आपको लिखना अच्छे तरीके से आ जाता है स्टूडेंट्स, तो फिर बाकी के जो आपके रेस्ट ऑफ द पेपर हैं या एग्जाम्स हैं ये सब्जेक्ट्स हैं 700 मार्क्स के, इट इज़ ऑल अबाउट योर राइटिंग एंड योर एक्सप्रेशन एंड योर थॉट्स। स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट्स देखते हैं, स्टेप नंबर 3 कहते हैं एक्सप्लोर करें मेजर फीचर्स ऑफ द थीम। इस थीम के फीचर क्या, थीम को हमें पता चल गया कि मॉडर्निटी है, चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिशन है, इसी के ऊपर अब हमने बात करनी, थीम क्या है इसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मॉडर्निटी,
कोई मतलब भी होगा। एक्सक्यूज मी, दिस मॉडर्निटी अकर इन नेचर। अच्छा, तो क्या जो हेवन आर्थ इवन के इंसान, इस मॉडर्निटी से इन सब पे क्या इफेक्ट होता है? जब कल्चर तब्दील होते हैं, तहजीबें तब्दील होती हैं, ट्रेंड्स तब्दील होते हैं, फैशन तब्दील होते हैं, क्या इसके कोई ट्रेड पर भी नुकसान आते हैं, बिजनेस पर भी नुकसान आते हैं? जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान क्यों हैं? जो कुवतें या जो ताकतें या इंसानी जहन की जो फिलोसफीज इस चेंज के अगेंस्ट हैं, जो कॉमन इस चेंज के अगेंस्ट हैं, उनको क्या नुकसान होते हैं? तो ये वो तमाम फीचर्स हैं जो मॉडर्निटी के इर्द गिर्द हैं। और हम फीचरिंग करते ही मेजर थीम की इसलिए कि अब हमें पता चल गया कि मेजर थीम मॉडर्निटी है, अनएंडिंग प्रोसेस। अब इसके बारे में जब हम थिंकिंग पैरामीटर डेवलप करेंगे तो उससे पहले हम एक थीम बना लेंगे, सॉरी उसके फीचर्स बना लेंगे उस थीम। उससे पहले इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस दुनिया पर थे, इंपीरियलिज्म चल रहा था, लेकिन इसके बाद इनमें से जो ताकतवर कौमें हैं वो इंपीरियलिस्टिक बन जाती हैं, नई कॉलोनीज बना देती हैं, दुनिया का जो सिस्टम है कॉलोनलाइजेशन का सिस्टम बन जाता है। 1919 के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म आती, एक नया निज़ाम आ जाता है दुनिया में, लीग ऑफ नेशन से रिलेटेड नई कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, यूएनओ आ जाता है, आईएमएफ आ जाता है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड आ जाता है। उसके बाद 1996 में डब्ल्यूटीओ आ जाता है, गोल्ड वॉर आ चल रहा है और दुनिया एक नई पोस्ट इंपीरियल वर्ल्ड को देख रही होती है, पोस्ट कॉलोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सामने आता है, इंटरनेशनल सिस्टम कैसे डिवेलप हो रहे हैं, कैसे डिटीरियोरेट हो रहे हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आज की सदी जिसको हम ग्लोबलाइजेशन का दौर कहते हैं, अब एंटी ग्लोबलिज्म का कॉन्सेप्ट भी सामने आया, दोबारा नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मर्केंटाइलिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है, अपनी अपनी इकोनॉमी नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट वापस आ रहा है। तो ये क्या है जो मॉडर्निटी, और हर चीज़ तगयुर इंटरनेशनल सिस्टम में किस हद तक है, जिस तरह मैंने आपसे डिस्कशन की। उसके बाद वो कहते हैं मॉडर्निटी एंड इकोनॉमी, मॉडर्निटी एंड साइंस टेक्नोलॉजी इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, नो एंड पॉइंट ऑफ ह्यूमन डिजायर्स। यस, ये भी थिंकिंग पैरामीटर हो सकता है कि जो हम दुनिया में प्लानट अर्थ में मॉडर्निटी देख रहे हैं, हम स्काई इज द लिमिट, आगे से आगे की तरफ जा रहे हैं। डिफरेंट आपके जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारे इस वक्त मौजूद हैं निज़ामी शमसी यानी सोलर सिस्टम में, हम नेचुरल सैटेलाइट मून से भी आगे जा रहे हैं, प्लैनेट्स की तरफ जा रहे हैं, मार्स से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर जो लाइफ है उसके जितने भी हमारे पास विटनेसेस आ रहे हैं, उस लाइफ को बिगिन ओरिजिन उसकी कहीं ना कहीं इनिशिएशन के लिए हम उसको इनोग्रेट करने के लिए एफर्ट्स कर वेरी करते हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक हमारे सामने इंग्लिश ऐसे में आते हैं जिनमें वेरिएबल्स गिवन भी होते हैं, जिस तरह टेररिज्म इन पाकिस्तान कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज एंड रेमेडी, तो इसमें एक वेरिएबल हमारा कॉजेज का आता है, एक कॉन्सिक्वेंसेज का आता है, और एक उसकी हल उसकी रेमेडी उसके मेजर्स उसको पिकअप करके हम इसको ओवरकम कर सकते हैं टेररिज्म। आज के इस टॉपिक में क्योंकि प्रोवर्बियल टॉपिक है, आइडियोमेटिक भास्कर टॉपिक आ जाते हैं, कुछ मैक्सिम्स आ जाते हैं, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स आपके सामने आ जाते हैं, उनको फिर करने के लिए आपने यहाँ पर भी खुद से सोचना है कि कितने वेरिएबल होने चाहिए, 3 घंटे में कितना मटीरियल मुझे लिखना पड़ेगा, 2500 से 3500 वर्ड्स में कैसे कर पाऊंगा। इसके लिए फिर आपको खुद एफर्ट करनी पड़ती है। हमने एक एफर्ट पुट किया है यहाँ पर रफ आउटलाइन में, जैसा कि इंट्रोडक्शन कॉन्स्टेंट कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द टर्म मॉडर्निटी, जो टर्म मॉडर्निटी इस वक्त हमारे सामने नजर आ रही है, इसको कॉन्सेप्चुलाइज करना, ये हमारे सामने वाजह हो गया। इसके बाद अगली जो है वो है द स्फीयर्स ऑफ मॉडर्निटी, ये पहला वेरिएबल है। कितने स्फीयर्स हैं मॉडर्निटी, अगर हम लिखना चाहें अपने ऐसे में उसको कैसे हम कवर अप करेंगे, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी, इंडिविजुअल का और एक कलेक्टिव लाइफ एस्पेक्ट में भी क्या मॉडर्निटी है कि आती है ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी एंड नेशनल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्निटी, ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी। तो ये हमारा पहला वेरिएबल और उसकी सब हेडिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट वेरिएबल हेडिंग नंबर 4 है, और नेक्स्ट वेरिएबल में देखते हैं हमारी कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिटेल में डिस्क्राइब की गई। वो कहते हैं हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल सोशो पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक अरीनाज ऑफ मॉडर्निटी एंड वैल्यू इन मैन्स लाइफ, यानी तारीखी तौर पर, तहजीबी तौर पर, माशरती और सियासी तौर पर, मीशत के तौर पर, और जदीद साइंस के जो डिफरेंट एरियाज अरीनाज और आस्पेक्ट्स हैं,
वहाँ पर मॉडर्निटी क्या है, हो रही है कि नहीं हो रही, और उसमें इंसानी ज़िंदगी में उसकी वैल्यू क्या। उसके बाद हमारा अगला वेरिएबल है डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्निटी टू ह्यूमन सिविलाइजेशन, इंसानी जो तहजीब है क्या इसको मॉडर्निटी ने कोई डिसएडवांटेज किया है, अगर किया है तो क्या है। पांचवी हमारी हेडिंग और हमारा ये तीसरा वेरिएबल बनता है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्निटी, आखिर में कंक्लूजन। ये मेरा एक अपना सोचने का तरीका है, द वे आई थिंक, द वे आई परसीव द टॉपिक। आप डिफरेंट वेरिएबल्स अपने जहन के अकॉर्डिंगली भी बना सकते हैं, बट फोकल पॉइंट ये रहे कि मॉडर्निटी के ही डिफरेंट एरियाज और आस्पेक्ट के ऊपर बात करनी है, जिस तरह कि आप हमारी इस पूरी रफ आउटलाइन में देखते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्चुलाइजेशन के बाद स्फीयर्स ऑफ मॉडर्निटी, इंडिविजुअल लाइफ, कलेक्टिव लाइफ, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, ग्लोबल आस्पेक्ट्स में मॉडर्निटी को पहले एग्जामिनर को बता दिए कि ये एरियाज है। उसके बाद एवोल्यूशन आगे हिस्ट्री से, सिविलाइजेशन से, सोसाइटी से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, साइंटिफिक तमाम एरिया या अरिनाज में मॉडर्निटी क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और आखिर में चार पांच हेडिंग्स या चार पांच सब हेडिंग्स जिसको आप कहते हैं पैराग्राफ्स, जिसकी सूरत में आप लिखेंगे उसमें भी आप लिख सकते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, एनालॉजी कर लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आते हैं एंड दैट इज ब्रेनस्टॉर्म। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो आप सबसे पहले कॉन्सेप्चुलाइजेशन की करेंगे। अगरचे कॉन्सेप्चुलाइजेशन का जो आपका पैराग्राफ है वो एक ही पैराग्राफ होगा, इसकी कोई सब हेडिंग नहीं होगी, लेकिन जब आप इसको कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं ना मॉडर्निटी को डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट आस्पेक्ट्स को माइंड में रखते हुए, जिस तरह कि हमने इधर अगर आप गौर से देखें तो थिंकिंग पैरामीटर और मेन फीचर्स में ये तमाम की तमाम क्वेश्चन रेज ही इसलिए किए हैं, ये थिंकिंग पैरामीटर डिवेलप ही इसलिए किए हैं कि हम एक चीज़ को कॉन्सेप्चुलाइज करके, एग्जामिन का फेमिनिज्म का दौर कहा जाता है, आगे भी कोई दौर आ सकता है, पॉलिटिकल एवोल्यूशन, क्लैंस टू नेशन स्टेट अपनी ही इंडस्ट्री को प्रमोट करती है, जो इम्पोर्ट्स है उसको डिस्करेज किया जाता है, तो दूसरा मुल्क भी उस मुल्क से फिर इम्पोर्ट नहीं लेता, तो नेशनलिस्टिक इकानमी हो जाती है, मर्केंटालिस्टिक इकानमी हो जाती है, लेकिन अब ग्लोबलिज्म का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, लिबरल इकानमी का दौर है, आइसोलेशन टू इंटरडिपेंडेंस। अगर आप देखें तो पहले एक कॉम दूसरी कॉम पर इंटरडिपेंडेंट होती थी, डिपेंडेंस भी है। Changing concepts of development and growth, scientific progress has no limits, theories and assumptions have changed a lot and will continue to change. अगर आप political theories को देखें, आज दुनिया में democracy का रूल है, एक दौर था monarchy की, बादशाहत थी, oligarchy थी, उससे पहले अगर empire का system अगर हम देखते हैं, फिर खिलाफत का concept मुसलमान लेकर के आए, उसके बाद भी concept change होते चले गए, आज के दौर में फिर एक democracy का एक नया निज़ाम हमारे सामने, प्रोग्रेस इन रेल ऑफ मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड टेक्निक्स टू लाइफ एनहांसिंग, अब नहीं लाइफ एनहांसिंग, लाइफ सेविंग पे पहले थे, अब लाइफ एनहांसिंग में हम चले गए हैं। इम्प्रूविंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कार्स एंड फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट आ गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन नो एंड जिसके ऊपर हमने बात की, इन्हांसमेंट इन ऑल टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड मैनुफैक्चरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट हमें नज़र आते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट हमें नज़र आते हैं, उसके अलावा बायो ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, सीड्स के अंदर कुछ ऐसे सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिससे आपकी एंड प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर एकड़ जो आपकी प्रोड्यूस है वो बढ़ भी सकती है और बढ़ती भी है। इस तरह लाइफ स्टॉक में एक्स्ट्रा मिल्क प्रोड्यूस करना, क्लोनिंग और क्रॉस ब्रीड के थ्रू ज़्यादा लाइफ स्टॉक के जो एनिमल्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी करना, आप बी हनी का कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, आप फिशरीज का कॉन्सेप्ट फार्मिंग में देखते हैं, आप और पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स में अगर आके देखें तो पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा इनोवेशन डिस्कवरीज और बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन आ गई है, जिस तरह इंसान की नीड बढ़ती चली गई, न्यू एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स आ गए हैं, कॉन्टिन्यू टू बी मैनुफैक्चर्ड एंड अडॉप्टेड। आप अगर देखें तो बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट है अभी दुनिया में। मॉडर्नाइजेशन इन द फील्ड ऑफ IT एंड न्यू मीन्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू सोशल मीडिया एवेन्यू, ऑब्वियसली बात है अगर सोशल मीडिया एवेन्यू को अगर आप गौर से देखें, प्रोग्रेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ऑन द वे, हर नए दिन हर नए दौर, मोबाइल की नई टाइप्स आ रही हैं, लैपटॉप की नई टाइप्स आ रहे हैं, नए से नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, अगर हम आपसे इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये भी एक IT की बहुत बड़ी रेवोल्यूशन, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आपके साथ ये इंट्रैक्शन कर रहे हैं। इस तरह से अगर इन चीज़ों को देखा जाए स्टूडेंट्स, तो बहुत ज़्यादा
मतलब हद से ज़्यादा आप देखें हर एक एरिया या हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में मॉडर्निटी और कॉन्टीन्यूसली ये एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। बेटर एंड अपग्रेडेड वेपन्स, जिस तरह आज का दौर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का, न्यूक्लियर वेपन्स का दौर है, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स का दौर है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का दौर है, यूज़ ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स फ्रॉम ओल्ड डेटेड मीन्स ऑफ कॉपर वायर्स, इस दौर में कॉपर वायर्स के कॉन्सेप्ट थे वो हमें नज़र आती थी, लेटेस्ट अपग्रेडेशन इन वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रॉम 2G, 3G, 4G, 5G टू LTE और ऑनवर्ड, इस पर चल रहा है काम, न्यू वेज ऑफ डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट लाइक स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी के चैनल्स हैं, आर ऑन द वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड डेटेड मीन्स ऑफ डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स, पहले किसी और वे में डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स होती थी, अभी किसी और वे में होती, स्टेट लेवल डेवलपमेंट टू मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, किसी दौर में स्टेट्स या नेशन स्टेट्स अपनी डेवलपमेंट के गोल बनाते थे, एंड प्लीज जब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए, जब आपको एक प्रॉपर टेक्निक सिखा दी जाए, आपको बता दिया जाए, कोशिश ये करें कि आप ऑपरेटिव एक्टिविटी ऑफ माइंड की उसी वक्त स्टार्ट कर लें और किसी न किसी टॉपिक पर आप लिखना शुरू कर दें। होप आज की वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव और बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट किसी इम्पॉर्टेंट पास पेपर के ऐसे के साथ हाजिर होंगे। जब तक हमारे सारे के सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के एरियाज आपको क्लियर नहीं हो जाते और हम कुछ ऐसेज पे काम नहीं कर लेते, तब तक हम इंट्रोडक्शन, पैराग्राफिंग और कंक्लूजन की टेक्निक्स नहीं सीखेंगे। इंशाल्लाह अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, काफ़ी लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें हम बाकी लेक्चर्स में फिर अभी कुछ अर्सा पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जितने भी हमने पास पेपर सॉल्व किए होंगे उन्हीं तमाम के इंट्रोडक्शन, उन्हीं की पैराग्राफिंग और उन्हीं की कंक्लूजन की टेक्निक्स को अंडरस्टैंड भी करेंगे, लर्न भी करेंगे और कुछ सैम्पल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।